a certain number of person can lead out. अंशु करे कल सवाल, कहाँ तक करे? तूने भाई आर्यन तूने करे थे वो क्या नाम है वो भी साथ के साथ करता रहा, उससे क्या होगा रिवाइज साथ के साथ हो जाएगा, जो क्वेरी होंगी वो भी हो जाएंगे। मैंने तू अपना कोई और चैप्टर कर रहा होगा ना, इसकी क्वेरी रह जाएंगे है ना, अगला जो तुम बोलोगे वो वाला चैप्टर कर लेंगे फिर। तो तूने कहा था करें तो प्रॉब्लम कर ले बस है, सबके जो प्रॉब्लम होंगे वो कर लेंगे बस है ना। बता दो बता चल, क्वेश्चन नंबर 20 28 27 34 34 अरे आगे पीछे कैसे करो यार, 31 और 49 ये सवाल करेंगे बताया ना, और कोई रह गया? 40 भी लिख लेते हैं। बस 38 लिखा शायद हमने, 38 चलो ये लिख लेते हैं 38। और बस तो आज यही सवाल करेंगे, कल फिर अगले 50 क्वेश्चन फिर कर लेना है ना, उससे आसान हो जाएगा। आता तो मैं ही जो और इस तरह के जो होंगे ना वर्क वाले ये रेशियो से कर लेंगे। मैंने ये 16 वाला हो गया था रेशियो से, देखो पहले 16 वाला देखते हैं एक बार, 16 वाला है क्या? A certain number of person can complete a piece of work in 55 days. If there were 6 person more, the work could be finished in 11. तो आसान सा है, ये कह रहा पहले 55 दिन में ख़त्म होना था। अगर हम 11, अगर हम 6 बंदे और मिलाएं, तो 11 दिन कम में ख़त्म हो रहा है, तो ये 44 दिन में काम ख़त्म हो गया। तो ये कितना हो गया, 4:5 हमारे हिसाब से एक बंदा बड़ा है, इनके हिसाब से कितने बने? 6। तो पहले 24 थे अब 30 हो गए। जो भी पूछा है बता दो है ना, आसान सा। चलो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 इनमें, क्वेश्चन नंबर 20 किसी का नहीं हुआ ना। ए जो है टाइम कितना लगा रहा है, जितना ए और सी नहीं बी और सी लग रहे हैं इतना, ये कह रहा है ना बी सी मिलकर करते हैं, ए अकेला तो फिर इनकी एफिशिएंसी भी इसी रेशियो में हो जाएगी है ना। आगे क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी 10 दिन में कर रहा है, ये दे रखा है ना। सबसे पहले इसी को करो, पहले एलसीएम ले लो 5 और 1। अब याद है किसी को कैसे करते थे इसके आगे कि प्रॉब्लम किसकी है तेरी, इनमें कैसे करते थे एफिशिएंसी देख। यहाँ पे ए बी सी की कितनी आ रही है हमारी, 6। यहाँ पे कितनी आ रही है, 2। तो इस तरह के सवालों को याद रखा, एफिशिएंसी बराबर करनी होती है। या तो इसे मैं वापस 2 बना लूँ या इसे 6 बना लूँ, तो आसान क्या, इसे 6 बना लेता हूँ है ना। तो इसे 6 बना लेता हूँ इंटू की 3 करके, अब 6 हो जाएगा 3 और 3, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3। या क्या बचा, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। समझ गए, ये सी की हो गई, ये ए की हो गई, और ए मैंने ए बी में से हटा दिया तो बी की आ गई, सारी एफिशिएंसी आ गई। अब जिसका भी पूछा था किसी एक कटर सी का दे रखा था 50, तो 50 इंटू सी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकल गया। अब जिसका भी पूछा उसे डिवाइड कर लो, बी का पूछा है बी की एफिशिएंसी 2, ए से पूछा होता तो ए का 50/3 हो जाता है।
ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल वर्क कितना है मुझे नहीं पता ना, मैं हमेशा यहाँ से नहीं लेता, जो एलसीएम होता है ना वहाँ से गड़बड़ हो जाती है। तो किसी एक की एफिशिएंसी प्लस उसी के वो कितना दिन लेता है उससे इंटू कर दिया। ये किसके दिन थे, सी के, तो सी की एफिशिएंसी से इंटू कर दूँ तो टोटल वर्क निकल जाएगा। या फिर ए बी का दे रखा था 10 दिन में करते हैं, तो ए बी की एफिशिएंसी से इंटू कर दूँ। ए बी की कितना है दिन, 10, एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 50 है ना। अरे यार, एक तो हिंदी मत देख, मैं डर जाता हूँ हिंदी देख के, मिटा दो इसे। सूरज तो ट्राई करियो ना एक बार, सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश कर सकते हैं। यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है और सूरज और मनोज, सिंपल सा तो है, इसमें क्या है। हाँ तो इसमें भी सेम कर, आएगा रुक जा, भी करते हैं ना रुक जा। इस तरीके के सवाल याद रखना है ना, ऐसे अच्छे सवाल होते हैं, ऐसे बहुत आते हैं। अगर जो नया बालक होगा ना वो अटकेगा इसमें, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, यहाँ तो ए बी सी इक्वल करा है हमने, कई बार केवल ए बी इक्वल करना पड़ेगा। मान लो ये ए और बी दे रखा होता है ना, अब बताओ अब क्या करोगे यहाँ पे। सवाल चेंज, सही बन गया सवाल। ये बस ये गिवन है बस, ठीक हो गया हो गया हो गया हो गया। हमें यही ये बताना कि बी कितने दिन में काम करेगा। पाँच और एक, ठीक है। इंदौर ने सुनी तो बता भाई, सवाल चेंज कर दिया मैंने इसमें, यहाँ ए और बी और सी था ना साथ में, अब सवाल चेंज है, ए और बी की एफिशिएंसी सेम है और दूसरा ये जो गिवन था यही गिवन है। वो इसने पूछा बी का, बी कितने दिन में काम करेगा। ए और बी अकेला है, यहाँ ए बी एंड सी था ना पहले, हाँ तो अब केवल बी है वहाँ पे, करो दूसरा वाला सेम है। बस ये बस ये बस यहाँ पे चेंज करा मैंने, पहले बी एंड सी लिखा हुआ था यहाँ पे है ना, अब केवल वहाँ पे बी है। क्या है आंसर, आंसर तेरा तेरा कितना आया, ऐसे सीख जाएगा तो मैं देखता रहेगा बैठा हुआ, रिजल्ट आने वाला तेरे 2-4 दिन में। अरे अग्निवीर कौन सा है तुम में से, उसमें हाइट कितने मांग रहे हैं, सब में 170 रह गया, इसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा। क्लर्क वाले में, अरे क्लर्क वाले में कितनी हाइट चाहिए, उसमें शायद 12वीं पास मांग रहे होंगे फिर, पहले रेस्ट का काम है इसमें फौज में, इंग्लिश इंग्लिश तो बाद की बात है। आर्मी में पहले फिजिकल होता है, बी का पूछा है, बी का, सी का पता है, 50/3 कितना आया,
भैया तीन का दस आ रहा है, एक दो तीन, तुम दोनों ही नहीं सुन रहे, तो उन तीनों का दस आ रहा है। ये कह रहा है ए उतने दिन में काम करता है जितने बी दिन में करता है, बी करता है ना, और ए और बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं काम, और सी अकेला करता है 50 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा और ए कितने दिन में करेगा। जब मैं बता रहा था तुम दोनों अपनी कॉपी में लग रहे थे। ट्राई कर, चल तेरा वाला करता हूँ, इतने नीचे करूँगा यही। सूरज है ख़राब नहीं होगा, इंक डालता हूँ तो नीचे बढ़िया भी ऐसा रखूँगा तब आएगी। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश। सूरज, मनोज एंड राजेश, एक रेशियो एक। यदि राजेश अकेला इस कार्य को आर, राजेश इस कार्य को 28 दिन में करता है और मनोज, सूरज और मनोज, सूरज और मनोज 14 दिन में, तो मनोज अकेला इस कार्य को कितने दिन, क्या है इसमें है भाई 28, एक दो, ठीक है तीन या दो है तो इसे तीन से इंटू कर लूँ, वो चेंज हो जाएगा ना मेरा फिर सारा, ये चेंज हो जाएगा ना, तो इसे तीन बनाना पड़ेगा मेरे को। तीन कैसे बनाऊंगा इसे, पहले दो से डिवाइड कर दूंगा, फिर तीन से इंटू कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं, कि मेरा टोटल वर्क टोटल गड़बड़ा जाएगा मेरा फिर, या तो बना ले भैया थोड़ा एलसी ज्यादा ले सकते हैं, एलसी इंटू कर ले, मैं टोटल वर्क गलत निकाल रहा होगा, इसे तीन से इंटू कर रहा है, कह रहा है इसमें दो से, कितना आया तीन तीन, ये कितना आया ये दो या चार, तो आर की कितनी हो गई दो, एस की तीन, तो R की, तो इसकी M की कितनी हो गई एक। किसकी पूछी है हमसे, मनोज की पूछी है, मनोज की पूछी है, तो मुझे किसका पता है 28 इंटू दो, इसकी दो आई है ना, अपोन एक 56, क्या दिक्कत है इसमें, तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो टोटल वर्क गलत ले रहा है, जब मैंने इंटू करा तो उन्हें 28 ले लिया, तो उस दो को इसमें भी इंटू करना है, तो फिर काम भी बढ़ाना है, तो आगे बात समझ में। इस सवाल में ये अंतर है कि जब मैंने पाँच, हाँ वो वर्क भी बढ़ाना है, मैंने बता दे रहा हूँ, इसने क्या दिक्कत करी, मैं बार बार एफिशिएंस टोटल वर्क कैसे निकालता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, इसने 28 ही टोटल वर्क ले रखा था, अगर तूने ये एफिशिएंसी छेड़ दी ना इस वाले सवाल में, मैंने ये वाली एफिशिएंसी नहीं छेड़ी है, इसलिए सही आ रहा है ये, समझ गया, हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्यों समझ ना, पूरा लिख के दे रखा है, इतना बढ़िया लिख के दे रखा है, तो समझने की जरूरत ही नहीं है। ए जितने दिनों में काम करता है उतना ही बी, बी भी उतने दिन लेता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, चलो छोड़ो, तुमने सुनी नहीं, और ए भी 10 दिन में कर सकते हैं काम को, और वहीं सी उसे 50 दिन में कर सकता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे बताओ भाई, हुआ ये वाला, चलो मैं बता देता हूँ, नहीं वो ये वाला है, बी के 20 आ रहा है, कैसे जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो दोनों काम भी तो उतने,
दोनों के दिन सेम आने चाहिए, दोनों 20 आएंगे, दोनों 10 आएंगे। उसे जीरो काटे करना, 60 यू कर रहा, 6 लिख, 0-0 काटना, उसे एफिशिएंसी 5 और 1 होगी। 60 मत करेगा, अब 60 बनाएगा तो यहाँ पे 30 से इंटू करना पड़ेगा। रेशियो में तो काट देगा, रेशियो में जो कॉमन है सब काट देगा लो। उसके आगे 5 किसकी एफिशिएंसी निकाल ली, तीनों की कैसे निकाल ली, सी 50 दिन में कर रहा था, अगर दोनों की सर उसने 50 तो दस दिया, 20 आ रहा है क्या भाई? देखो ये 5 है, फिर ये 2.5 से इंटू करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा ना फिर ये। चलो फिर तुम वही दिक्कत कर रहे हो, काम नहीं सही करा था फिर तुमने। देखो इधर 5 है, इधर कितना है, 2, तो इसे 5 से इंटू कर लेता हूँ, इसका सही आ रहा है, तुम्हारा गलत आ रहा है सबको मुझे लग रहा है, तुमने यहाँ पे ये चेंज नहीं करा, इसे डबल करना पड़ेगा ना काम को, 100 करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा ना, तो इसे मत ध्यान रख, छोड़, हाँ तो इसमें मत ध्यान रख, तो टोटल वो कैसे निकाला एफिशिएंसी से इंटू करके, समझ गया? तो पिछले वाले सवाल में ये गलती कर रहा, तुमने 2 यहाँ तो इंटू कर लिया, तुम्हारा टोटल वर्क उतना ही रह गया। मैं क्या इसे 10 से, ये 2 से करा है, 5 से करा है मैंने, है ना, अगर मैं इसे और 5 से कर दूँ, इसे और 5 से कर दूँ, तब भी सेम ही आएगी एफिशिएंसी, तो देखना कितना निकल जाएगा ये, तो वर्क तो थोड़ा रह गया, तो वर्क भी तुम्हें साइमेंटेनियसली बढ़ाना पड़ेगा उतना ही, तो उस वैसा ना निकाल के तुम इधर क्या आया, यहाँ 2.5 से करा था ना मैंने, तुमने 5 से करा था ना, 5 और 5 एक कितना आया 10, और एक कितना आया 2। अब देखो ए की कितनी होगी 5, सी की कितनी होगी 2, और इसकी 5 होगी बी की, तो इसकी एफिशिएंसी से इंटू कर देता हूँ मैं, 50 × 2 जिससे पूछा उससे कर दो, किसकी पूछी थी, बी का पूछा है, 5 से डिवाइड कर दो, आया 20। तुम तीनों का गलत था, वो गलत इसलिए था, तुम यहाँ तो इंटू कर देते हो, यहाँ इंटू नहीं करते हो तुम, है ना, तो काम हमेशा इसे मत ले करो, तुम उसमें भी फंसोगे आते, जब वो काम देगा कि एक तिहाई काम बचा है, तो वहाँ पे भी गड़बड़ करोगे, उसी को काम मान लोगे, हमेशा ऐसे निकाले करो टोटल वर्क, किसी एक बंदे का या टोटल किसी 2 का या 3 का मिलके पूरा काम दे रखोगे कि इतनी देर में फिनिश कर लेता है, तो वो दिन रखो और उनकी एफिशिएंसी से इंटू कर दो, कभी गलत नहीं होने का, क्यों अभी तुम फिर भी गलत करोगे, आगे सवाल आएंगे जिसमें वो कहेगा एक तिहाई काम को 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तुम यहाँ पे रेशियो लगाओगे ऐसे, ठीक है, और इसे ही को तुम टोटल वर्क मान लोगे, और जबकि ये होगा एक तिहाई, इसे 3 से और इंटू करना होगा, तुम वहाँ पे भी गड़बड़ करोगे आगे अभी, ठीक है, टोटल वर्क उसमें चेंज हो जाएगा। चलो वो भी इतनी उन्हें काट के करे कर, एफिशिएंसी शॉर्ट में लिखे कर, तूने 60 और 1 को लिख रखा है, वो रेशियो का मतलब ही होता है सबसे मिनिमम वैल्यू, कॉमन वैल्यू हमें सारी काटनी होती है, जितने अगर मैं 25 और 30 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है, रेशियो मतलब कॉमन सब काट दो, सबसे मिनिमम जो आ सकता है ना वो लिखना होता है रेशियो में। चलो 20 हो गया हमारा, 27 देखो 27 वाला, तो 12 आदमी 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं,
सिक्स मैन लीव्स आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज. 6 दिन काम करके चले गए वो, है ना. रेशियो से किसका हो गया ये? एम डी एच वाले फॉर्मूले से. रेशियो से, रेशियो से करके देख. ये देख ना, इसमें 6 आदमी चले गए, ठीक है. देखो इसमें हमें क्या पता है, हमें आदमी पता है, पहले 12 थे अब 6 हो गए. तो मैन जो है पहले 12 थे अब 6 हो गए. कहने का मतलब पहले हमारे दिन लगते, टाइम कितना लगता है, पहले लगता है हमारा 1:2, है ना. हमें पहले 1 दिन लगते, अब हम देखेंगे बचे हुए काम में. जो काम हो चुका वो तो हो चुका है, 6 दिन काम हो चुका है. कितने दिन का काम बचा था? 6 दिन का. तो हमें 6 दिन लगते हैं अभी और, ठीक है. तो हमें अब कितना टाइम लगेगा? टाइम बढ़ गया ना, 1 दिन, 1 मिनट बढ़ गया हमारा, ठीक है. 6 दिन बढ़ गया हमारा, 6 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे हमें अब, ठीक है भाई. जो काम 6 दिन में ख़त्म होता है वो 12 दिन में और ख़त्म होगा. टोटल हो जाएगा 6 + 12. अगर उसने, अगर उसने टोटल पूछा है तो, लेकिन उसने ये पूछा एक्स्ट्रा कितना लगेगा, तो एक्स्ट्रा में 6 दिन और लगेंगे. क्या पूछा उसने? हाँ, तो एक्स्ट्रा दिन हमारा 6 ही लगे ना, समझ गए. आगे समझ में? हाँ वैसे कर लो, MDS से ऐसा करो, जल्दी होंगे. MDS वाले में जहाँ कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना, वहाँ दिक्कत होगी फिर. क्वेश्चन नंबर 28, 27 हो गया. क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा वाला? 28 वाला. क्या बताओ भाई, बताओ. 28 वाली प्रॉब्लम किसकी थी? फिर ठीक है, कभी बाकी का हो गया हो तो ना, करें नहीं गया वहाँ पे. अरे मेरे तो हो गया. चल ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है. देखो कितने आराम से करूँगा, देखो सर. देखो भाई, अगर ये कह रहा, अगर 24 दिन में आदमी और लड़का ख़त्म कर देते काम, सुनो भाई, 24 दिन में आदमी और लड़का ख़त्म कर देते, लेकिन अगर लड़का अकेला लास्ट के 6 दिन काम करे, अकेला काम करे मतलब, तो 28 दिन लग रहे हैं, है ना. 28 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब अकेला करता है, तो इसका मतलब 22 दिन तक वो दोनों कर रहे थे, है ना. लास्ट के 6 दिन लड़के ने करे मतलब 22 दिन तक दोनों कर रहे थे. इसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन का काम जो टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे? 24 दिन में. अगर मैन और बॉय लिख दूं मैं ना, मैन और बॉय, मैन और बॉय के कितने दिन का काम बचा हुआ था? 2 दिन का काम बचा हुआ था, जिसे उस लड़के ने अकेले कितने दिन में करा? 6 दिन में. एफिशिएंसी निकल गई सीधे. करो क्या आया? 3 और 1, मैन की कितनी आ गई? 2. समझ गए? कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है. ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, मैंने सिर्फ बताता हूँ, है ना. देखो नहीं, ये कह रहा 24 दिन में मैन और लड़का ख़त्म कर दे, दोनों मिलकर 24 दिन में ख़त्म करते, लेकिन हुआ क्या, 24 दिन काम दोनों ने नहीं करा. लास्ट के कह रहा 28 दिन काम हुआ, जिसमें से लास्ट के 6 दिन अकेले लड़के ने करा,
इसका मतलब आदमी ने कितने दिन तक काम करा था? 22 दिन तक। तो मतलब टोटल 24 दिन में ख़त्म करते आदमी और लड़का मिलके, तो दो दिनों का काम बचा हुआ था ना। अगर आदमी भी रहता तो दो दिनों का काम ख़त्म हो जाता। अगर मैन और लड़का होते तो दो दिन में ख़त्म कर देते काम को, जिसे उस लड़के ने अकेले कितना टाइम लगा दिया? 6 दिन में लगा दिया। ठीक है, तो 3-1 मैन की 2। हाँ, मैं उस काम पे काम करता हूँ जो काम दोनों मिलके करते, वो इस लड़के ने कितना करा, है ना। अगर वो बंदा होता वो कितने दिन में कर रहा था और इस बंदे ने कितना करा, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। देखो टोटल वर्क एफिशिएंसी आएगा ना, किसी एक का पूरा दे रखा है, किसका दे रखा है पूरा बता। नहीं, दोनों का दे रखा था ना 24 दिन का, दोनों 24 दिन में करते, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। पक्का एक दे रखा होगा कुछ, तो इसमें दोनों का दे रखा है, दोनों की एफिशिएंसी कर दी, ये टोटल है। जिसका पूछा है, अगर मैंने को पूछा 2 से डिवाइड कर दो, लड़के का पूछा तो 1 से डिवाइड कर दो। आगे ऐसे सवाल भी आएंगे, उन्हें भी ऐसे ही करूँगा। देखो यहाँ भी बता देता हूँ मैं, वो क्या आएगा, कुछ ऐसे सवाल आएंगे कि एक लड़का 18 दिन में कर देता काम खत्म। देखो जैसे मैंने इसमें करा ना, एक लड़का कोई काम ए 18 दिन में ख़त्म कर देता, ठीक है, लेकिन ये चले गए 16 दिन पे, और उसके बाद बी आया और टोटल काम ख़त्म हुआ 20 दिन में। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, समझ गए मैं कहने का यार हूँ मैं। एक लड़का था ए जो 18 दिन में टोटल काम ख़त्म करता, लेकिन उसने 16 दिन तक काम करा, उसके बाद वो चले गया, और बी आ गया, बी ने वो टोटल काम जो है ना, अब टोटल दिन जो लगे हैं वो 20 दिन लगे हैं टोटल दिन। हाँ, तो कैसे करो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? ला पानी जी बात, टोटल काम अब 20 दिन में हुआ है, टोटल काम अब 20 दिन में हुआ है जो पहले 18 दिन में हो रहा था। बताओ बताओ, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो काम 18 दिन में ख़त्म करता है ना, जिसने क्या करा 16 दिन तक काम करा, उसके बाद ये चले गया नया बंदा आ गया बी। अब काम जो 18 दिन में ख़त्म होता है वो 20 दिन में ख़त्म हुआ है, तो क्या एफिशिएंसी बता दोनों की या ए बी कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके? देखो इसका इसका कितना काम बचा था अभी? 2 दिन का। इसने यही काम कितने दिनों में करा? 4 दिनों में, क्योंकि 16 से आगे कितने दिन लगे अभी? 4 दिन लग गए। ठीक है, ये आ गया टाइम, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2-1। ठीक है, तो अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क मुझे पता है, ये 18 दिन में ख़त्म करता, ये 18 दिन में ख़त्म करता, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? 2। और ए भी 3 से कर दूंगा, दोनों का पूछा था 3 से कर दूंगा। क्या हाँ, दोनों की पूछा ना मैंने, ए बी की क्या होगी, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आसान से ऐसे सवाल आएंगे, उसमें एफिशिएंसी ऐसे निकालना। हाँ, तब समझ में आ रहा है, मैंने पिछली बार भी बताया था शायद, ये सारे क्वेश्चनों में एफिशिएंसी ऐसे निकालूंगा, आगे बहुत टाइम बच जाता है इससे, बस थोड़ा सा दिमाग में जी। 28 वाला सवाल था ये, 28 था ना ये। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31। रेशियो से करा किसने? 31 वाला अभी से एक वीडियो चल रही है ना, 31 वाला देखो भाई। एक कॉन्ट्रैक्टर 90 दिन में काम खत्म करता है ना, तो उसने 60 आदमी लगाया, उसने 60 दिन के बाद उसे पता चला भैया 3/4 ही काम हुआ है अभी, है ना। 60 दिन के बाद मतलब टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाता फिर? 80 दिन में खत्म हो जाता। क्वेश्चन नंबर 31।
ये वाला क्वेश्चन नंबर 31। जब 3/4 काम 60 दिन में हुआ है तो टोटल काम 80 दिन में हो जाता है ना। हाउ मैन ही कैन डिस्चार्ज सो डैट द प्रोजेक्ट मे बी कम्प्लीट। इतना आसान सवाल है, लॉन्ग से क्यों आ रहा है? देखो ये कह रहा है एक काम उसे 90 दिन में ख़त्म करना था, ठीक है, टाइम उसके पास 90 दिन का था, आदमी उसने कितने लगाए 60। अब ये कह रहा है 3/4 काम हो गया। जब 3/4 60 दिन में हुआ है तो टोटल काम कितने में होता है? 80 दिन में, है ना। 3 × 6 = 20, ये आ गया 80 आ गया ना, तो 80 दिन में काम होता है ना टोटल वर्क। 60 दिन अभी हो चुके हैं, कितने दिन का काम बचा था? 20 दिन का काम बचा था। लेकिन अब ये कह रहा है मुझे टाइम उतना ही लगाना जितना उसने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था। कितने दिन करा था? 90 दिन। तो अभी 30 दिन और लगाने हैं मेरे को, ठीक है, 20 दिन में ना ख़त्म करके 30 दिन में ख़त्म करना है। तो रेशियो क्या हो गया? तो मैं कितने आदमी निकाल सकता हूँ? पहले कितने आदमी लगाए थे मैंने? तो एक की वैल्यू क्या, एक आदमी निकाल दिया, एक यूनिट निकाल सकता हूँ ना मैं, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई? 20। तो 20 आदमी निकाल सकता हूँ, ठीक है। रेशियो से कर, कितने आसान सवाल है। तो तुम्हें समझाने के लिए इतना लिखा मैंने, सीधा मैंने 80 नहीं कर दिया था, सीधा ये रेशियो बनेगा 20-30। चलो एक बार फिर लिखना, देखो एक बार और देखो। एक आदमी ने 90 दिन का टाइम लिया था उसमें काम करने के लिए, उसमें 60 आदमी लगाए उसने, है ना। अब ये क्या कह रहा है, उसने 60 दिन में 3/4 काम कर लिया। अगर 60 दिन में 3/4 कर रहा है, 3/4 कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तो ये पूरा काम कितना करेगा वो? 3 नीचे चल जाएगा, 4 ऊपर, 20। तो टोटल 80 दिन में ख़त्म कर देगा, है ना। काम उसे करना था 90 दिन में, और लेकिन ख़त्म कितने दिन में हो रहा है? 80 दिन में। आज हम कहाँ पे हैं? 60 दिन के यहाँ पे हैं, 60 दिन ख़त्म हो चुके हैं, है ना। तो 20 दिन काम और चलेगा अगर इतने याद में लगे रहे। लेकिन वो कह रहा है मैं 20 दिन में ख़त्म नहीं करना, जितना टाइम हमने बोला था उतने में ख़त्म करना है। तो 60 से 90 में ख़त्म करना है, तो मतलब 30 दिनों में करना है वो काम। तो जो काम 20 दिन में ख़त्म होना है वो 30 दिन में करना है, ठीक है। 20 दिन में ना करके 30 दिन में करना है, धीरे करना है काम, ज़्यादा तेज कर रहे हैं ना। तो रेशियो इसका उल्ट हो जाएगा मैंने कहा। तो ये 3 इधर, 2 इधर। ये 3 क्या होगा? जो मैंने पहले मैंने लगाए थे 20 दिन में जो ख़त्म कर रहे थे, कितने आदमी ख़त्म कर रहे थे? 60 आदमी ख़त्म कर रहे थे। तो 3 = 60, कितनी यूनिट कम करनी पड़ी? 1 यूनिट। तो 20 यूनिट, 20 आदमी निकल जाएंगे और 40 आदमी लगे रहेंगे उस पर अभी, ठीक है। रेशियो से करे करो इन्हें अभी, वैसे भी आएंगे इतने आदमी, इतने एम्प्लॉय थे, वो थे सोल्जर थे, इतने मर गए, इतने बच गए, खाना बचाए तो कितने दिन चलेगा फलाना ढिकाना, वैसे ही हुआ ना। ये तो जल्दी से निकाल लोगे, 3 की वैल्यू 60 है तो 4 की क्या होगी? 80। 3/4% का सवाल हो गया ना ये, 3/4 कह रहा है। तो 3 की वैल्यू 60 हो गई तो 4 की वैल्यू निकाल लो 80, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 32। इकतीस हो गया। ये भी इसी तरीका है, 60 आदमी 250 दिन में कर सकते हैं ना, उन्होंने 200 दिन का काम कर दिया। बताओ भाई कैसे करा? रेशियो से करना ट्राई, वो तो तेरे को आता ही है, नहीं होगा करियो वैसे, लेकिन रेशियो से देख कितना जल्दी हो जाएगा, है ओरली ख़त्म हो जाएगा। ये जो काम 50 दिन में ख़त्म करना था, मेरे पास 40 दिन का टाइम बचा है, तो 4 × 5 = 15 आ गया आंसर, 15 आ गया आंसर। जो काम 50 दिन में ख़त्म करना था, मेरे को 40 दिन में करना है, तो मैंने का रेशियो होगा 4 × 5 =
चार इक्व टू 60 तो एक इक्व टू 15 एक यूनिट बढ़ाना है। बता दिया और लिए हो गए थे। देखो 60 आदमी 250 दिन में करते, काम कितने दिन को हो चुका है 200, तो जितना काम बचा है मेरे को उसे पे तुलना कर सकता हूँ मैं, है ना। तो कितना टाइम कितना काम बचा, कितने दिन का, 50 दिन का, 10 दिन मेरे ख़राब हो चुके हैं, अब मुझे बचा हुआ काम केवल 40 दिन में ख़त्म करना है, है ना। तो मैन का रेशियो क्या हो गया, 4 और 5, ये 50 दिन कब लगते हैं, जब मेरे 4 आदमी मतलब 60 आदमी लगे होते हैं। कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, एक यूनिट, एक यूनिट मतलब 15, सिंपल। हाँ, हमेशा तुलना उस पर होगा, हाँ हर बार हर क्वेश्चन में हम तुलना उस पर कर सकते हैं कि पहले इतना टाइम लगता अब इतना लगाना है, या पहले इतने आदमी थे अब इतने आदमी लगाने हैं ना, तो उसी पे होगा हमेशा। जो हो चुका है उस पर कुछ नहीं कर सकते हम, जो होना है उस पर कर सकते हैं हम। आज तक हमने नहीं करी थी तैयारी, उस पर कुछ नहीं कर सकते, जो टाइम चलेगा वो चले गया, है ना। अब 14 घंटे पढ़ सकते हैं लेकिन। चलो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34। हैं तीन आज चल बस देखते हैं छोटा कुछ है तो। वाइल वर्किंग 7 आवर्स, देख सवाल होना भी जरूरी चाहिए, है ना, वो तो बेसिक तो इतना होना चाहिए कि हम पे सवाल हो रहा है, वो हो गया तुम्हारी स्टार्टिंग का एकदम कि सवाल तुम सारे कर ले रहे हो, इसलिए अब उसमें तेज करना है उसे, अब उसे धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है, उसमें कमांड बढ़ानी है अपनी, है ना। पहला स्टेप तो यही होता है कि सारे सवाल हमसे होने चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे एक सवाल मेरे को 10 मिनट 20 मिनट लग रही है, मुझसे होना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वरना ऐसा होता मुझसे हुआ ही नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर तुम सवाल कर लोगे यार। चलो वाइल वर्किंग 7 आवर्स अ डे ही अलोन कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी अलोन इन 8 डेज, देखो ए जो है ये वाला काम हो गया, ए कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में 7 घंटे, बी कितने घंटे में, 6 घंटे में 7 घंटे 8 दिन में, ये तो कट गया, तो एफिशिएंसी क्या हो गया, 4 और 3 है ना, 7 से 7 कट गया, 4 इधर 3 इधर, एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क क्या हो गया, इसे इसमें रख लो 3 × 8 × 7, है ना। इसने पूछा क्या था, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 घंटे करें, कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई, 7, कितने कर रहे हैं, 8, ठीक 3 आ गया, ऐसे करा, ऐसे होगा जहाँ 3 जैसे तीसरा आ गया ना इसमें, अब नहीं हो सकता उससे, ये घंटे भी आ गए ना यहाँ पे, तो अब रेशियो से नहीं हो सकता। ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 34, किसकी प्रॉब्लम थी, है प्रॉब्लम किसकी थी, है रेशियो जहाँ पर आर से भी आ गया ना, 3-2 हो गए साथ में, वहाँ पर नहीं लगेगा रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर 38, 38 किसी ने तो पूछा है, पंचों ने पूछा है, ये तो आसान सा MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 आदमी तो 2 मैन, ठीक है, 2 जॉब कर सकते हैं, मतलब 2 काम कर सकते हैं ना, कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है, पूछा गया, तो 100% 100 आदमी कितना काम करना है, कितने दिनों में करेगा, पूछ रहा है, 2 से 2 गया, 100 से 100 गया, M से M गया, 2 = x, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 40 हो गया ना, सबने देख लिया ना, ये कॉपी तो खोल ले, कुछ तो लिख ले। चालीस चालीस मैंने भी गोल लगा रखा है इसमें। 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट मैंने भी लंबे तरीके से करा है। 40 40 हाँ ऐसे ही होएगा। ऐसे ही होएगा जैसे तूने करा, हो किसने पूछा था ये 40 वाला, हुआ ही नहीं। चालीस आदमी, 40 आदमी 40 दिन में ख़त्म करते हैं ना, तो मैं इनकी एफिशिएंसी एक ही मान लेता हूँ सबकी, ठीक है। टोटल में कितना हो जाएगा मेरा, 1600, कितना काम करना है मेरे को, ठीक है। हर 10 दिन में 5 आदमी चले जाएंगे, तो 5 तो पहले 40 एक से 10 तक कितने आदमी लगे रहे, 40 आदमी लगे रहे, तो कितना काम हुआ होगा, 10 दिन काम हुआ ना, नहीं समझे। ये कह रहा हर 10 दिन में 5 आदमी चले जाएंगे, तो पहले 10 दिन कितने आदमी ने काम करा होगा, 40 आदमी ने करा होगा, 10 दिन के बाद 5 चले जाएंगे, ठीक है। तो हर दिन कितना काम हो रहा है, 40 आदमी है, एक एक की एफिशिएंसी, तो 40 यूनिट काम हो रहा है हर दिन, ठीक है। तो यहाँ 10 दिन थे, तो 10 दिन में कितना काम हुआ होगा, 40 × 10 और हो जाएगा, तो 400 काम हो गया। हर दिन 40 हो रहा है, तो 10 दिन में हो जाएगा 400, ठीक है। अब 10 11 से 20 आदमी कितने रह गए, 35, 5 चले गए ना, तो 35 रह गए, 35 आदमी ने काम करा होगा 11 से लेके 20 दिन तक, तो हर दिन काम कितना होगा, 10 हर दिन 35 काम होगा, और कितने दिन होगा, 10। एक आदमी एक दिन में एक यूनिट काम करता है, ठीक है, तो 35 आदमी 35 यूनिट काम करेंगे, हर दिन 35 यूनिट काम होगा, लेकिन ये दिन कितने, 10, ठीक है, 350 हो गया। अब अगले आगे देखो, 21 से 30 कितने आदमी रह गए, 30, कितने हो गए, 300, ये कितना हो गया, 700 और 9, ये 1050 हो गया अभी तक, है ना। ऐसे मैं जो इसके पास तक है वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। ये 31 से 40 25 बचे, 1300 आ गए, हाँ तो आप लिख लो, अब आ गया ना तुम्हें पता चल गया, अब 200 जुड़ेगा, अब कितना हो गया, 600 1300 और ये 1500, ठीक है। आदमी कितने बचे हैं, 15, यहाँ 20 बचे थे, ठीक है, तो 15 आदमी बचे हैं अब, तो काम करवाना है मेरे को 100, ठीक है, 15 से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ तक 50 दिन हो गए थे, ठीक है, ये कितना आ गया, 6 2/3, 1/15 का फ्रैक्शन क्या होता है, 6 2/3, 1/5 का, 1/15 का तो फ्रैक्शन हो गया, ये 50 ही है और 6 2/3 ही होगा। पहले 50 तक काम कर रहे थे ना, चालीस दिन में काम कर रहे हैं, चालीस आदमी सारे लगे रहते तो, लेकिन सारे लगे हुए नहीं है तब, हाँ हाँ 40 आदमी कहाँ लगे, यहाँ 5 तो यहीं कम हो गए थे, 5 ये कम हो गए ऐसे। अगर 40 आदमी 40 दिन तक काम करते तो ख़त्म हो जाता। क्वेश्चन नंबर 46,
क्या 46 वाला करो 46 क्या है इसमें ठीक है कंप्लीट तो आसान से सवाल है भाई 40 दिन में पी कर रहा है ये कितना कर रहा है 2/5 15 75 75 भाई 2 मतलब 37.5 और ये कितना कर रहा है 39 में तो सबसे सबसे पहले ये करेगा ना क्यों क्यों लेना पड़ेगा क्यों सबसे कम दिन लगा रहा ना 37.5 आ रहा है ना उसका क्या दे रखा है 46 होगा46 कैलकुलेशन सही करिए ना हमने 39 क्यों का क्या करा इसने ये 45 करा था ये 145 हाँ इसने गलत कर दिया गलत कर दिया ना इसका 37.5 तो आ रहा है 37.5 दिन सबसे तेज वही है तो उसने गलत कर रखा है आ रहा है क्यों है 39 दिन में कर रहा है क्यों करेगा ना 37.5 दिन में सब ज्यादा दिन 42 दिन ये लगा रहा है एस हो गया ये क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा क्या है इसमें ओरली हो गया तो कौन सा कह रहे हो ये हाँ ये ऐसे होगा 46 वाला हाँ 46 था ना अगला सवाल 46 देखो थर्टी नाइन पूछा था तो अब लिख लेते हैं लास्ट में करेंगे लेकिन अभी से हम पहले 46 वाला देखो तो ये कह रहा है 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है 10 में तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 40 में क्यों 2/5 कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में तो मतलब 75/2 मतलब 37.5 आर कितने में कर रहा है 1/3 काम कर रहा है 13 में मतलब 39 में और भी कोई है मतलब 42 दिन में सबसे तेज कौन सा भाई है ठीक है इसमें आंसर सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा सबसे कम दिन इसके कहाँ 46 वाला कर रहा हूँ ये 37.5 नहीं कर रखा हाँ वो उसने गलती कर रही है ना उसने को देख रहा हम तो ये करेंगे ना उसने गलती से गलत करा है वो ये 40 दिन में काम खत्म कर रहा है ये 37.5 में ये 39 में 42 सबसे तेज कौन होगा यही होगा ना क्षमता देखिए क्यों रहे हो मैं दिल्ली 2 दिन में पहुंच जाऊंगा तू 5 दिन में पहुंचेगा पैदल तो कौन पहले पहुंचेगा दिल्ली क्षमता के क्या मतलब है इसमें दिन ही दे दिया ना उसने ये काम 37 दिन में ख़त्म करेगा 40 दिन में ऐसे ठीक है चलो अगला देखो 49 अरे उसने गलती कर रखी है कैलकुलेशन में 46 का ऐसे देख लेना 46 का इसने हाँ उसने गलती कर रखी छोड़ सॉल्यूशन में गलती कर दी उसने वहाँ 15 की जगह 145 लिख दिया क्वेश्चन नंबर 49 एक आदमी या दो वुमेन या तीन बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 तो आसान सा हो गया
वन मैन टू वुमेन और थ्री वो तो भैया एल सेन छः तीन दो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। पूछा क्या इसने तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा छः, किसी को भी इसमें रख दो या इसमें रख दो, है ना, टोटल वर्क छः हो गया। पूछा क्या इसने, अच्छा 88 भी तो है तो 6 × 88 ये होगा ना। इनकी कितनी आ रही है एफिशिएंसी, 11 6 × 8 = 48। किसकी प्रॉब्लम थी ये, प्रॉब्लम किसकी थी ये, अब किस क्वेश्चन नंबर 39 वाला देखो, चलो 39 ये तो तूने वो 88 × नहीं करा होगा, वो हर उसमें 88 × करना, वो बाद में कट जाएगा वो, है ना, वो कट गया इसलिए नहीं रखा, लेकिन टोटल वर्क क्या होगा 88 से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, अगर टाइम दुगना ले रहा है, टाइम ए दुगना टाइम ले रहा है, ए दुगना टाइम ले रहा है, बी ले रहा है, ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ए किसकी, तो बी तेज हो गया। अच्छा पूरा नहीं पढ़ा मैंने, आगे भी कह रहा है एंड थ्राइस एज मच एज सी, ए जो है इससे दुगना टाइम ले रहा है और उससे 3 गुना, तो इसे मैं 6 मान लूँगा, इसे 3 मान लूँगा और सी को मान लूँगा 2। हाँ भैया इसका 3 गुना है, इसके 2 गुना है ना। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, हो गया कितना है कि 6, 1, 2, 3, तो टोटल कितने दिन में, 1 दिन में ख़त्म कर रहे हैं ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। किसका पूछा है, 6 दिन आ गया, समझ गए, 1 दिन में ख़त्म कर रहे थे तीनों मिलके, तो तीनों की एफिशिएंसी से इंटू कर दूंगा 1 दिन को, तीनों की एफिशिएंसी 6, 1 दिन से कर दिया। प्रॉब्लम किसकी थी ये, हाँ 61 बस 61 और 70 बाकी कल करेंगे, 61 बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन टेक, भैया इसका आंसर 25 है, क्वेश्चन नंबर 61 कैसे बच्चे थे, अगर ए और बी, हाँ देखो अगर ए और बी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी अलग है, तो मैंने क्या बताया था, इसका अगर डबल कर लोगे 24 दिन तो एक तो पक्का इससे कम होगा, एक से ज़्यादा होगा, अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम होती है तो दोनों ही 12 दिन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ गया करूँ मैं, अगर मान ले दोनों की एफिशिएंसी सेम है तो 24 दिन में कर रहे होते, करके देख ले 24 ये कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम एक बार, तो 24 × 2 करेगा 12 आ गया, समझ गया, अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम होती है तो उसका डबल हो जाता है बस, ठीक है, उतने दिन ले रहे होते हैं, लेकिन अगर दोनों की एफिशिएंसी अलग है तो पक्का एक आदमी 24 से ज़्यादा दिन ले रहा होगा और एक आदमी 24 से कम ले रहा होगा, ये कन्फर्म है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों आदमी 24 से ज़्यादा ले रहे हैं, अगर 24 से ज़्यादा ले रहे होते तो ये 12 नहीं आता, 12 से ज़्यादा आता फिर, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, दोनों आदमी 11 × 1/9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, इसका डबल कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, 22 × 2/9 ऐसा कुछ आएगा, 1/9 का कुछ मतलब नहीं है, 22 ही ले लो, है ना, तो एक आदमी 22 से ऊपर कर रहा होगा,
एक भाई इससे कम ले रहा होगा, ठीक है, दोनों को मुझे पता है 5 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें दे किसका रखा है इसने, बी अलोन, बी वाला तेज है, ये धीरे करता है, एक एंड ऑफ पीस ऑफ वर्क ए तेज है, तो बी मतलब हमारे हिसाब से 22 से ज़्यादा दिन ले रहा है ना, बी 22 से 22 प्लस आएगा ना फिर, तो 22 प्लस कौन सा ऑप्शन है, 22 प्लस दो ही ऑप्शन है, 25 और 30। अगर इसमें मैं इसे 30 ले लूँ तो 30 माइनस 5 25, ये तो 22 से कम आया ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 25 लूँगा, 25 में से 25 माइनस 5 5 का डिफरेंस ना, तो 20 आ गया ना, तो यही ऑप्शन हो सकता, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले बता दें मैंने ऐसे, है ना, ये याद रखियो हमेशा। एक अगर मैं कहता हूँ दो बंदे 25 दिन में काम करते हैं और भी मिलके, ठीक है, एफिशिएंसी अलग अलग है, तो एक आदमी इसका डबल 50 से कम ले रहा होगा और एक 50 से ज़्यादा ले रहा होगा, ठीक है, तो ये देखते ही पता चल रहा था ऐसे, वरना एफिशिएंसी से बात डिवाइड करना होता है ना। एक काम मैं 2 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ, आरएनए में 2 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है, और दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो अब हमारा दिन आधा हो जाएगा ना, वो अब एक दिन में हो जाएगा, तो इसका मतलब वापस दोनों एक बंदे काम निकालने के लिए 2 से 2 करूँगा, कि हम 2 आदमी हैं, आधा वो कर गया ना मेरा काम, इसलिए वो डबल कर रहा हूँ मैं इसे 75। अब इसके बाद कल करेंगे, कल करके लाना, 100 तक है ना, हो जाएंगे ना 50 सवाल हो जाएंगे ना, ये तो वो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, वाला भी बढ़िया सवाल है, उस पर मैंने लिख रखा है डिफरेंट, डू इट अगेन, 75 पे 74 पे लिख रखा है मैंने, मैंने 74 पे लिख रखा है, 74 वाला हो गया। वन मैन थ्री वुमेन फोर बॉय कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 मिनट, 75 पूछा, कल तुम 74 पूछ रहे हो, कल करेंगे, ठीक है, 74 वाला अच्छा सवाल है, कल करेंगे। वन मैन प्लस थ्री वुमेन प्लस फोर बॉय कैन डू वर्क इन 96 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। दो मैन एट बॉयज कैन, दो मैन प्लस एट बॉय कैन डू इट इन, टू मैन एंड थ्री वुमेन कैन डू इट इन, टू मैन प्लस पांच मैन और 12 बॉय, तो पहले दिन का एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे निकलेगी, पहले इनका एलसीएम वो लो, क्या बोलते हैं एलसीएम बताओ क्या आएगा, काटो 8 से कट रहा है, 1 2 10 ये कितना आया, 15 आया ना, 60 आ जाएगा एलसीएम, देख नहीं रहे भाई तुम दोनों, फिर दोबारा से पूछोगे, 60 आ गया, कितना आ गया 5, कितना आया 6 4, ठीक है, ये देखो ये इसमें 4 गुना हो रहा है ना, ये भी 4 गुना है, आदमी और लड़के 4 गुना है ना इसके, और ये भी 4 गुना है, अगर 2 मैन और 8 बॉय की एफिशिएंसी 6 है, अगर उसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो एफिशिएंसी रह जाएगी 3, तो 1 आदमी 4 लड़कों की एफिशिएंसी रह जाएगी 3, समझ गया क्या कह रहा हूँ मैं, देखो है बहुत हो गया, नहीं ऐसे करेंगे हम देख
कितना आसान से तुम्हें देख, मुझे दिख रहा है इसमें दो मैन और तीन वुमेन बन रहा है, यहाँ दो मैन तीन वुमेन नहीं बन रहा, एक एक रेशो तीन बन रहा है, ये गड़बड़ है। एक रेशो चार आ रहा है यहाँ पे लड़कों का, यहाँ पे भी एक रेशो चार आ रहा है मैन का और बॉय का, तो इसको मैं एक रेशो चार बना लूँगा, इसे एक करूँ इसे चार करूँ, दो से डिवाइड कर दूँ। जब मुझे पता है टू मैन प्लस एट बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, छः, दो काट दूँ तो मैन प्लस चार बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो गई, मुझे पता है इन सब की एफिशिएंसी है पाँच, तो तीन वुमेन की कितनी हो गई, इनकी रख दूंगा तो तीन प्लस तीन वुमेन इक्वल्स टू पाँच, कुछ तो गड़बड़ करा मैंने, सही लिखा रहा है, तीन वुमेन इक्वल्स टू दो, तो वुमेन की कितनी आ गई, दो बटे तीन, जब वुमेन की आ गई तो मैन की आ जाएगी। कैलकुलेशन सही करेंगे, गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, कहाँ मैंने समझा रहा है, माइनस में कहाँ जा रहा है, हाँ तो पॉइंट में रहने दे, ऐसी दो बटे तीन रख यहाँ पे, ये क्या है, क्या आ रही है इसकी, दो मैन प्लस तीन वो मैन इक्वल टू कितनी है चार, ये कट गया दो आ गया तो मैन इक्वल टू एक आ गई, है ना, तीन से तीन कट गया दो आ गया, चार में दो गया दो, और दो से दो कट गया एक आ गई, दो की एफिशिएंसी निकल गई, उसकी भी निकाल लो, जब मैन की कितनी आ गई एक, तो उधर निकालो, दो मैन प्लस आठ बॉय इक्वल टू कितनी है छः, मैन की एक आई है तो चार आ गई, तो बॉय की कितनी आ गई आधी, हो गया सवाल, हाँ तो ऐसे सवाल बाद में करने है ना, है भाई बड़ा तो होएगा जब उसने इतना बवाल दे रखा है, ऐसे सवाल जब करेंगे और तेजी से करना है फटाफट, चलो फिर से बताऊं, अब करना क्या है, इनकी एफिशिएंसी यहाँ रखे टोटल वर्क, किसी एक को पकड़ लो, इसी को पकड़ लेंगे, है ना, मैन टोटल वर्क कितना आएगा ये पहले इतना बता दूं, बाद में करेंगे, है ना, देखो ये तो गिवन था, ये गिवन था, ये सब गिवन था, हम क्या करते हैं इन्हें काट के रेशो बनाते हैं ना, पहले ये आ गया आठ से काट के बारह, दस और पंद्रह, हमने ए एलसीएम ले लिया, इसे ए मान लो ना, इसे इसे ऐसे ए मान लो, इसे बी ऐसे सी, हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर आ गया साठ, तो इस पूरे की एफिशिएंसी आ गई पाँच, इस पूरे की एफिशिएंसी आ गई छः, इस पूरे की आ गई चार, ठीक है, अब मेरे पास तीन इक्वेशन है, ऐसा हो गया ना, वन मैन प्लस तीन वुमेन प्लस फोर बॉय कितनी है पाँच, ठीक, वहीं एक इक्वेशन क्या है, टू एम प्लस एट बॉय इक्वल टू कितनी है छः, और आगे तो इस अभी इक्वेशन सोल्व करनी है बस मेरे को, तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन है, सोल्व नहीं कर सकते, मैंने इक्वेशन तो सोल्व करी है, ये तो सोल्व करा मैंने, हाँ वही तो करा है मैंने, वही तो करा है मैंने, नहीं देखो यहाँ से टू मैन प्लस एट कहाँ गया, सबसे पहले स्टेप कौन सा करा था मैंने, यही था, ये था कहाँ था, हाँ हाँ यही है, देखो इसमें ये कैसा सोल्व होगा, इसे आधा करके मैन प्लस और ये माइनस कर दी इक्वेशन मैंने, हाँ हाँ पक्का मिलेगा, अरे तीन इक्वेशन सोल्व करने, तीन वेरिएबल हैं, एक दो तीन, और तीन इक्वेशन तो पक्का सोल्व होंगी होंगी, ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ कटेगा, हाँ हाँ तीन इक्वेशन सोल्व होती हैं, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होंगे तो सोल्व हो जाती हैं, ठीक, दो वेरिएबल दो इक्वेशन चाहिए चाहिए, तीन होगी तो बढ़िया, चार होगी तो और बढ़िया, लेकिन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एक इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, चलो, और अगर ऐसे सवाल आए तो करना है एंड में, छोड़ना नहीं है एंड में करना, अगर वक्त बचा दो, ठीक है, ये टाइम टाइम टेकिंग वाला है, हाँ इसी वजह से मैंने इस पर सर्कल कर रखा और डू इट अगेन लिख रखा है, मैंने फिर से फटाफट कर दिया कि मैंने कर रखा है ये पहले, हाँ तो मैंने कर रखा है ना, ये सवाल बार बार करने वाले हैं, अगली बार जब आएगा उसमें क्या होगा, छियानवे की जगह कुछ और रख देगा,
वो चार बॉय की जगह पांच बॉय कह देगा, लेकिन वो सोल्व ऐसे ही होंगे सारे, तीन इक्वेशन सोल्व ऐसे, तो ये तीन इक्वेशन सोल्व फटाफट करनी है हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हमने पूरे इतने सारे चैप्टरों में टाइम बचाया है वो किस लिए बचाया है, वो इन सवाल जैसे सवालों को करने के लिए बचाया है हमने। चलो अब कल करेंगे, कर दे बंद कर दे बंद कर दे, अब कल करेंगे मैं।